चलिए बात करते हैं सीरियल उडारिया के आज के एपिसोड के बारे में। सीरियल उडारिया में कल का एपिसोड देखने के बाद व्यूअर्स काफ़ी निराश हुए, क्योंकि जिस तरीके से जैस्मीन और फतेह धोखा दे रहे हैं अपने अपने पार्टनर्स को, वो सचमुच काफ़ी ज़्यादा दर्द वाला था। आपको बता दें कि इस शो के व्यूअर्स बिल्कुल भी ऐसा नहीं देखना चाहते हैं। उनका साफ कहना है कि आखिर स्टोरी जा कहाँ रही है। वेल, अब बात करते हैं कि आज के एपिसोड में जहाँ जैस्मीन और फतेह दोनों एक नए सपने की ओर बढ़ रहे हैं और इस चीज़ से अनजान है कि आखिर हकीकत क्या है उनकी, इधर जैस्मीन जो है वो भूल चुकी है कि अपनी ही बहन की पति को वो इस तरीके से अपनी ओर खींच रही है। वो फ़ोन करती है फतेह को और मिलने के लिए दबाव डालती है। फतेह कहता है कि ठीक है, मैं मिल लेता हूँ। अब आपको बता दें कि ये दोनों मॉल के सामने मिलने जा रहे हैं। यहाँ पर दोनों ने अपनी फैमिली से नहीं बताया है कुछ भी। फतेह क्या बताता कि वो जैस्मीन से मिलने जा रहा है, इसलिए जब तेजो फ़ोन करेगी फतेह को तो यहाँ फतेह झूठ बोल देगा और कह देगा कि वो चंडीगढ़ जा रहा है, कुछ अर्जेंट काम आ गया है। हालांकि तेजो ये सुनकर थोड़ी शॉक्ड जरूर हो जाएगी, क्योंकि फतेह उसे सब कुछ बताता था और अचानक से वो चंडीगढ़ जा रहा है, थोड़ी सी वो शॉक्ड है। लेकिन यहाँ पर जब तेजो कॉलेज जा रही होती है, तब रास्ते में जो जैस्मीन है वो जाम में फंसी हुई है और वो एक कार में बैठी हुई है। जैसे ही वो जाम को हटाने के लिए बोलती है, तब वो दूर से देखती है कि तेजो आ रही है। अब तेजो को आता देख वो डर जाती है और वो गाड़ी के अंदर छुपने की कोशिश करती है। वो छुप भी जाती है, लेकिन तेजो जब उस गाड़ी के पास आती है तो देखती है गाड़ी के बाहर एक दुपट्टा फंसा हुआ है। वो कहती है कि मैडम आप अपना दुपट्टा अंदर कर लीजिए, और जैसे ही वो अंदर देखती है उसे जैस्मीन दिख जाती है। तेजो कहती है कि जैस्मीन तू छुप कर क्यों बैठी है और क्या कर रही है तू यहाँ पर। अब यहाँ पर जैस्मीन शॉक्ड हो जाती है। जैस्मीन जो है वो बात बना देती है और कह देती है कि नहीं, मैं तो यहाँ पर किसी काम से आई थी। वो उल्टी सीधी बात बनाकर एक बार फिर से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश तेजो को करेगी। हालांकि फतेह वहाँ पर नहीं है, उस कार में फतेह नहीं है। लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प ये होता है कि क्या तेजो को जैस्मीन की ये सब जो बेवकूफ़ियाँ हैं, ये सब जो साजिशें हैं, ये सब समझ में आएगी। हालांकि जैस्मीन इस बार भी बचकर निकल जाएगी और जैस्मीन और फतेह एक बार फिर से मिलेंगे। लेकिन क्या ये सब जो हो रहा है बहुत जल्द इसका भंडाफोड़ होगा? वेल, जो भी होगा उसकी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मनीषा सिन्हा की रिपोर्ट, वेब 23 न्यूज़।